गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम शेल के बारे में पढ़ेंगे। शेल एक कमांड लाइन इंटरफेस है। शेल यूजर और कर्नल के बीच में इंटरमीडिएटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, शेल यूजर और कर्नल के बीच में इंटरमीडिएटर की तरह वर्क करता है। कर्नल शेल से सराउंडेड होता है। शेल पे जो हम कमांड्स लिखते हैं, जो यूजर शेल पे कमांड लिखता है, तो शेल उन कमांड्स को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद सेंड कर देता है कर्नल को। ठीक है, क्या लिखा है? शेल इज अ कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट्स कमांड रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और फ्रॉम फाइल। शेल एक इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। जो भी कमांड्स यूजर एंटर करता है, वो उन कमांड्स को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसको सेंड कर देता है? कर्नल को सेंड कर देता है। ओके, अब वेरियस टाइप के शेल हैं। फर्स्ट है बोर्न शेल, सेकंड है कॉर्न शेल, थर्ड है सी शेल, फोर्थ है वैश शेल एंड फिफ्थ है टी शेल। देखो कौन कौन से बताए। फर्स्ट बताया बोर्न शेल, सेकंड कॉर्न शेल, थर्ड सी शेल, फोर्थ वैश शेल एंड फिफ्थ टी शेल। नेक्स्ट हम करेंगे शेल कमांड्स। यूजर को अगर कर्नल से इंटरेक्ट करना है तो उसे वेरियस कमांड्स यूज करनी पड़ती है। ओके, फर्स्ट कमांड है हु कमांड। हु कमांड जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, करंटली जितने भी यूजर्स सिस्टम पे हैं उन सबकी लिस्ट प्रोवाइड करता है हु कमांड। तो इसका सिंटेक्स होता है डॉलर हु। तो नेक्स्ट कमांड है mkdir। mkdir कमांड न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। कोई भी अगर आपको न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसके लिए आप कौन से कमांड यूज करोगे? mkdir। ओके, तो mkdir का जो सिंटेक्स है वो होता है mkdir और dir का नेम। ठीक है, तो एग्जांपल देखो क्या होगा। जैसे मान लो आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसका नाम आपको रखना है फर्स्ट, तो आप क्या लिखोगे? mkdir और dir का नाम, डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है? फर्स्ट। ओके, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो mkdir का काम क्या है? डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना। नेक्स्ट कमांड है cd। cd कमांड जो है वो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। मान लो आपके पास दो डायरेक्टरी हैं, फर्स्ट एक डायरेक्टरी आपने फर्स्ट नाम की क्रिएट की और सेकेंड दूसरी डायरेक्टरी आपने सेकेंड नाम की क्रिएट की है। ठीक है, अब करंटली मान लो आप सेकेंड डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमें फर्स्ट डायरेक्टरी पे जाना है, तो आपने जब डायरेक्टरी चेंज करनी है तो आपने कौन सी कमांड यूज करनी है? cd। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा? cd। ओके, और जैसे आपने फर्स्ट पे जाना है तो आप लिखोगे cd फर्स्ट, तो आपकी डायरेक्टरी सेकेंड से चेंज हो जाएगी फर्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट फाइल को फाइंड करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो कमांड है ls कमांड। ls कमांड क्या करती है? आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट शो करती है। क्या करती है ls कमांड? क्या करती है? मान लो आपकी करंट वर्किंग फाइल, सॉरी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होती है? जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, आप इस टाइम फर्स्ट डायरेक्टरी पे मान लो वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टरी में जैसे फाइल है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3,
ठीक है, करंटली आप फर्स्ट डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हो। जब आप ls कमांड लिखोगे तो ls कमांड क्या करेगी, ये जितनी भी फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर है F1, F2, F3, इन सब की लिस्ट जो है वो शो कर देगी। ठीक है, तो ls कमांड क्या करती है, जितनी भी फाइल डायरेक्टरी के अंदर होती है उन सब की लिस्ट को शो कर देती है, जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी उसकी फाइल्स की लिस्ट को शो करेगी। ओके, अब मान लो अगर आपने किसी फाइल की डिटेल फाइंड करनी है तो आप क्या कमांड लिखोगे, टू फाइंड द डिटेल ऑफ फाइल, तो आप कौन सी कमांड लिखोगे, ls l। ओके, अगर आपने कोई हिडन फाइल शो करनी है तो उसके लिए कमांड आती है टू शो ऑल हिडन फाइल। अगर आपने सभी हिडन फाइल सर्च करनी है, फाइंड करनी है, तो आप कौन सी कमांड लिखोगे, ls a। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल, जैसे मान लो कोई फाइल है जो s से शुरू होती है, जैसे मान लो s4, ठीक है, अगर कोई फाइल का नेम जिसका s से स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स आएगा वो देखो, टू शो ऑल फाइल्स हैव नेम, हैविंग नेम स्टार्ट विद s, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, ls s star। अगर मान लो आपने p नाम से या f नाम से फाइंड करनी है तो आप क्या लिखोगे, ls f star। ओके, नाउ द नेक्स्ट कमांड इज pwd। pwd की फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd कमांड आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसको शो करती है, तो इसका सिंटेक्स होता है pwd। नेक्स्ट है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट कमांड है rmdir। rmdir कमांड जो है वो किसी डायरेक्टरी जो आपने क्रिएट की है उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, rmdir का सिंटेक्स होता है rmdir और dir का नेम, जैसे कि आपने make dir से फर्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट की थी, अब rmdir से हम फर्स्ट डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल है इसका rmdir, कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट की थी, फर्स्ट। ठीक है, तो rmdir अब इस फर्स्ट डायरेक्टरी को रिमूव कर देगी। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज डेट। जब आप शेल पे डेट कमांड लिखोगे तो जब वो एग्जीक्यूट होगी तो वो जो करंट डेट और टाइम होगा उसको शो करेगा। तो डेट कमांड क्या शो करती है, करंट डेट और टाइम को, तो सिंटैक्स क्या है डेट कमांड का, डेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।